वेलकम बैक टू जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला, जहां अब होने वाला है आज के दिन का सबसे बड़ा मुकाबला। क्वालिफायर खेला जाने वाला है इवेंट की दो तगड़ी टीमों के दरमियान। एक टीम ने पूल ए से टॉप किया, दूसरी टीम ने पूल बी से टॉप किया। स्ट्राइकिंग पैंथर्स वर्सेस केपीके टाइगर्स। एक टीम की कप्तानी कर रहे हैं मंझे हुए बैट्समैन तैमूर मिर्ज़ा, दूसरी तरफ हैं उतने ही मंझे हुए बैट्समैन ताहिर पिंडी। दोनों अपनी अपनी शोहरत रखते हैं और क्रूशियल मैच खेलेंगे। जो भी ये मैच जीतेगा वो सीधा फाइनल का टिकट कटाएगा। दोनों कप्तान तो यहाँ पर मौजूद है, साथ साथ मैच स्पेशलिस्ट ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। अली मौजम चिश्ती हमारे साथ मौजूद हैं और सरवर भट्टी ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। कौन फ्लिक कर रहा है जी कॉइन? ताहिर पिंडी फ्लिप करेंगे। हेड इज द कॉल। ओके, बहुत दूर चला गया, इतने दूर छक्के मारने आपने जी। हेड एंड इट इज हेड। टॉस जीत लिया है जनाब तैमूर मिर्ज़ा ने। तैमूर, बहुत क्रूशियल मैच है, क्या करेंगे टॉस जीतकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम पहले बैटिंग करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, क्रूशियल मैच है, पहले बैट करके प्रेशर डालना चाहते हैं। कितना सेफ टारगेट होगा इतने बड़े मैच में? माशाल्लाह लड़के सपोर्ट कर रहे हैं। कल भी आपको बताया कि हमारी बड़ी स्पोर्टिंग बॉलिंग हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम 90 से 100 करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। से पहले वाले मैच में 123 चेज हो गए हैं जी, हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह आई होप के 90 और 100 कर जाते हैं तो इंशाल्लाह हम वो सेव कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक तैमूर मिर्ज़ा। ताहिर पिंडी आप भी आ जाए हमारे साथ। इससे पहले वाले मैच में आपका बल्ला चला नहीं, खामोश रखा हुआ था, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, बट फिर भी आप क्वालिफाई कर गए हैं। अब आपके पास मौका है ये मैच जीतकर सीधा फाइनल में जाने का, पॉजिटिव है इंशाल्लाह? हाँ, हमारी टीम पॉजिटिव है, मैच हम हार गए हैं, स्कोर हमने अच्छा किया। हमारा एक बॉलर जो है मेन, वो इंजर्ड हो गया उसकी वजह से भी, और मैं भी थोड़ा बहुत इंजर्ड हूँ, बॉलिंग नहीं कर पा रहा, तो उस वजह से हमारी टीम को थोड़ा सा वो हो रहा है। हम भी 3 दिन से इंतजार कर रहे हैं कि ताहिर पिंडी कब बॉलिंग के हमें जौहर दिखाएंगे, बट वो नज़र नहीं आ रहे। अब बैटिंग वाइज आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आपकी तरफ से हम देखेंगे छक्के चौके? इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, बस मेरी थोड़ी इंजरी है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करेंगे तो फिर इंशाल्लाह बेटर होगा। इससे पहले 123 रन पड़ गए थे आपको, कितने भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा? इंशाल्लाह कोशिश होगी, हम कम से कम स्कोरों पे इनको रिस्ट्रिक्ट करें, 80 से नीचे इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक ताहिर पिंडी। राइट वर्ड फ्रॉम द सेंटर इज दैट स्ट्राइकिंग पैंथर्स हैव वन द टॉस एंड तैमूर मिर्ज़ा हैज डिसाइड टू बैट फर्स्ट। और भगवान अवान ने टॉस जीता है, उनके जो आइकन प्लेयर और कैप्टन है तैमूर मिर्ज़ा ने, और पहले बैटिंग के लिए डिसाइड किया है। दोनों अंपायर्स इस वक्त अली मौज़म और सरवर भट्टी। मेरे साथ कॉम बॉक्स में हैं जुबैर अवासी। थैंक यू आसिफ, और बड़ा ही तगड़ा मैच होने को जा रहा है, तैमूर मिर्ज़ा वर्सेस ताहिर इस्लामाबाद। एक तरफ पाकिस्तान टेप बॉल का बेहतरीन ऑलराउंडर और दूसरी तरफ पाकिस्तान टेप बॉल का नंबर वन बैट्समैन तैमूर मिर्ज़ा। कौन बनेगा सिकंदर, फैसला होने को बाकी है। जी हाँ बिल्कुल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच, जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो क्वालिफाई कर जाएगी सेमीफाइनल के लिए, और ऑलमोस्ट ये एक क्वार्टर फाइनल की सी सिचुएशन इख्तियार कर गया है ये मैच। जो ताहिर पिंडी है एमसीसी के पीके टाइगर्स के कैप्टन, आज हमने देखा था वो टॉस में थोड़ा सा ऑफ कलर नज़र आए और कह रहे थे कि वो फिट नहीं है, इस वजह से 100% फिट नहीं है, इस वजह से परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा असर ज़रूर पड़ा है। और लेकिन ये एक ऐसे प्लेयर हैं कि जो की फैक्टर होते हैं किसी भी टीम में हो, सो आज भी वो की फैक्टर होंगे। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त मैच होने को जा रहा है। यहाँ पर एमसीसी केपी के टाइगर को बॉलिंग के बारे में सोचना होगा। 123 उन्होंने पिछले मैच में टारगेट सेट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके जो बॉलर फरहाद अब्दाली बीमार हैं, जिसकी वजह से वो मैच नहीं खेल पाए। यहाँ पर दोनों ओपनर बल्लेबाज उस्साब अली सियालकोट, ब्रांड ऑफ सियालकोट, साथ दे रहे उनका किंग बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान टेबल तैमूर मिर्ज़ा। जी, आज तैमूर मिर्ज़ा ने जब टॉस जीता उनका कहना था कि हम कोशिश करेंगे। ये टीम लाइनअप देख लीजिए, एमसीसी केपीके टाइगर्स, ताहिर पिंडी कैप्टन है, हुमायूं शाह, सरमद हमीद, खुशहाल खान, मिमरान अटक और बसीर खान, सनम इकबाल, सगीर पठान, हैदर अली, हमजा जदून और मोहम्मद यासीन। और स्ट्राइकिंग पैंथर की जानिब से तैमूर मिर्ज़ा, टीम कप्तान उस्साब अली, अशरफ पठान, नासिर पठान, सरदार हसनैन, ज़ेबियुल्लाह, सलमान मिर्ज़ा, आबिद गिब्स, कादर कश्मीर, स्पीड गन के 47, सरमद और वकास। जी हाँ, हर्षल गिब्स की जगह आबिद गिब्स मौजूद हैं स्ट्राइकिंग पैंथर्स में, और इस वक्त आप देख सकते हैं तैमूर मिर्ज़ा बल्ला घुमा रहे हैं। आज अगर इनका बल्ला घूम गया तो फिर एमसीसी केपीके टाइगर्स की पूरी टीम को घुमा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आपने दुरुस्त फरमाया,
देखना होगा यहाँ पर। तैमूर मिर्जा स्टार्टिंग के ओवर में स्ट्रगल करते हैं इस टूर्नामेंट में, मैंने देखा है कि स्टार्टिंग के ओवर में तैमूर मिर्जा फंसे रहते हैं बॉलर्स के सामने, लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट तैमूर मिर्जा के लिए ये होगा कि फरहाद अब्दाली नहीं है। अब अगर फरहाद अब्दाली होती तैमूर मिर्जा के सामने तो उन्हें मुश्किल होती। उसाम अली सियालकोट राइट हैंड बैट्समैन, सियालकोट से ताल्लुक है इनका, और ताबड़तोड़ छक्के लगाए इस टूर्नामेंट में। और यहाँ पर आपके तज्जिए को भी दाद देनी होगी, बहुत ही कमाल तज्जिया आपने किया, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि शुरू के ओवर्स में स्ट्रगल करते हैं। ये हैं खुशहाल खान, पिशावर से इनका ताल्लुक है, इनको पिशावर एक्सप्रेस कहा जाता है टेप बॉल की दुनिया में। और फिर आज ये देखना है कि ये स्पीड बॉलिंग किस तरह करते हैं, लाइन और लेंथ पे कैसे कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, 123 रन चेस करवाए थे MCC KPK टाइगर्स ने, और ये वार्म अप हो रहे हैं खुशहाल खान और जुबैर। अगर ये 80 और 90 में रिस्ट्रिक्ट कर लिया तो फिर MCC KPK की टीम्स जो है वो मैच में इन होगी। बिल्कुल आसिफ, यहाँ पर MCC KPK टाइगर या दोनों टीमों के पास गलती की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर आपको परफॉर्म करना होगा अपनी टीम के लिए, जान लगानी होगी तब जाके बनेगी बात, क्योंकि अब हवाएं खुद ही करेंगे रोशनी का फैसला, जिस दिए बे जान होगी वो दिया रह जाएगा। वाह क्या कहने आपके। और ये देखिए रोशनी के मनाजिर, क्या खूबसूरत मनाजिर हैं गुजरांवाला के जिना स्टेडियम में इस वक्त। लाइट्स पूरी आबोताब के साथ चमक रही हैं, ड्रोन कैमरे से लिया गया ये खूबसूरत मंजर है। प्ले इज द कॉल फ्रॉम अंपायर और पहली डिलीवरी खुशहाल खान, पिशावर एक्सप्रेस, और पहली ही डिलीवरी जो है वो एक्स्ट्रा डिलीवरी होगी, नो बॉल की कॉल है और फ्री हिट मिलेगी। यहाँ पर तोहफा दिया है तैमूर मिर्जा को, यहाँ पर तोहफा दिया है खुशहाल खान ने। यहाँ पर गलती की गुंजाइश नहीं थी, पहले ही बॉल पर अच्छा स्टार्ट नहीं है यहाँ पर MCC KPK टाइगर के लिए खुशहाल खान की तरफ से। ये देखें काफ़ी ख़राब बॉल था। जी हाँ, ऐसा लग रहा था कि वो उनका बॉल स्लिप हो गया, वो टारगेट पे नहीं कर पाए, यॉर्कर करना चाहते थे। एक दफ़ा फिर खुशहाल खान, और इस दफा इसको खेल दिया है तैमूर मिर्जा ने ओवर मिड विकेट फॉर द मैक्सिमम। एंड दिस सिक्स ब्रॉट टू यू बाय AAA एसोसिएट्स। उसामा अली सियालकोट ने छक्का लगाया यहाँ पर, उसामा अली सियालकोट ने, ब्रांड ऑफ सियालकोट। शुक्रिया आपने मेरी तस्दीक की, मैं एक्साइटिंग हो गया था ये शॉट देखते हुए। उसामा अली सियालकोट ने बताया कि आग लगाने वालों का कहां खबर, रुख हवाओं ने बदला तो वो भी खाक होंगे। इस दफा बॉल हवा में है, आउट हो सकते हैं, फील्डर है बॉल के नीचे, शुड बी गॉन एंड बॉल गया है बाउंड्री लाइन से। और आपने बिल्कुल कहा, ठीक कहा था कि इट शुड बी टेकन एंड शुड बी गॉन, टूर्नामेंट सिक्स नंबर 213 एंड दिस सिक्स ब्रॉट टू यू बाय AAA एसोसिएट्स। ये देखिए, और बॉल तारा बन गई, फजा में रही काफी देर, बहुत अच्छा इसको जज किया फील्डर ने, काफी देर नीचे रहे लेकिन उसके बाद अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाए और एक और छक्का मिल गया। उसामा अली सियालकोट रुकने का नाम नहीं ले रहे, वो आ चुके हैं, वो जाग चुके हैं और खतरे की घंटी बजा दी है यहाँ पर MCC KPK टाइगर के लिए। खुशहाल खान पिशावर एक्सप्रेस, इस दफा उमदा बॉल, बॉल पड़ने के बाद बाहर निकला, ब्लॉक होल में किया था बॉल, बेहतरीन बॉल यहाँ पर खुशहाल खान की जानिब से। एक अच्छे बॉलर की निशानी है बाउंड्रीज खाने के बाद कम बैक करना। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और पहली नो बॉल और उसके बाद टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमम्स, फिर डॉट डिलीवरी, और अब बहुत इन्हसार है कि बाकी की तीन जो डिलीवरीज हैं उनको जो है वो बाउंड्रीज के बाहर जाने से बचाया जाए, ताकि पहले ओवर में अगर 14 रन्स होते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा रन्स बनते हैं तो फिर बॉलिंग के ऊपर प्रेशर होगा। एक बार फिर से पिशावर एक्सप्रेस, इस दफा उसामा अली सियालकोट ने खेला है, बॉल जाएगा एक टप्पा खाने के बाद डीप स्क्वायर लेग की बाउंड्री से बाहर। उसामा अली सियालकोट रुकने का नाम नहीं ले रहे, टूर्नामेंट फोर्स 54। जी हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये देखिए इसको पिक किया
और स्क्वेयर लेग पर फील्डर तो मौजूद थे लेकिन फाइनल लेग और स्क्वेयर लेग के दरमियान ये बाउंड्री हासिल की है। सो बहुत ही शानदार बैटिंग उसामा की जानिब से, दो छक्के एक चौका इस ओवर में ऑलरेडी मिल चुका है। खुशहाल खान एक्सप्रेस, पिशावर एक्सप्रेस, स्लो डिलीवरी का वो हाल किया है, किसको पहुंचा दिया है एक दफा फिर मिड विकेट के बाहर, शानदार छक्का, एक और बुलंद वाला छक्का और इस बॉल को सियालकोट पहुंचा दिया है। बहुत बड़ा छक्का यहां पर, टूर्नामेंट 6230 और 6 बॉट यू बाय ट्रिपल ए एसोसिएट्स। ये रिप्ले आपके सामने, फुल टॉस बॉल था और एक तोहफा था और इस तोहफे को उन्होंने कबूल किया। और खुशहाल खान जो कि पिशावर एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं, लगता है आज इंजन में कोई खराबी है, पिशावर एक्सप्रेस में ब्रेक लग रही है और परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इस वक्त सगीर उनके साथ है मशवरा देते हुए, उसामा ने जो हाल कर दिया है आप उनके चेहरे से देख सकते हैं, परेशानी नुमाया है। उसामा आखिरी गेंद का सामना करेंगे और इस दफा अंपायर का फैसला देखना होगा। आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी, अंपायर सरवर भट्टी ने खूबसूरत मासूमाना अंदाज में अपने दोनों बाजू हवा में बिखेर दिए। बड़े खूबसूरत यहाँ पर, बड़ी खूबसूरत अंपायरिंग की है इस पूरे टूर्नामेंट में। और ये रिप्ले, बॉल पड़ने के बाद बाहर निकला और थोड़ा सा यहाँ पर अनलकी रहे खुशहाल को जिम्मेदारी के साथ बॉलिंग करनी चाहिए थी। पहला ओवर था और पहले ओवर में 10 से कम स्कोर देना चाहिए था खुशहाल खान को, तैमूर मिर्ज़ा एंड कंपनी के खिलाफ। वन सब ओवर टाइम, खुशहाल खान एक बार फिर से यहाँ पर स्टंप से बाहर, बॉल और ये बड़ा प्यार भरा इशारा वाइट बॉल का। जी हाँ, अगर मैं कैप्टन होता तो मैं खुशहाल खान को ये मशवरा देता कि आप राउंड द स्टंप्स आने की कोशिश कीजिए, अगर आप ओवर द स्टंप्स आइए, आप राउंड द स्टंप स्ट्रगल कर रहे हैं। अब तक 26 रन बन चुके हैं, एक गेंद बाकी है। उसामा जो भरपूर टच में नजर आ रहे हैं, उसामा सियालकोटी, आखिरी गेंद खुशहाल खान और रन अप मिस कर गए। यकीनी तौर पर ये प्रेशर है बैट्समैन का जो इस वक्त खुशहाल खान पिशावर एक्सप्रेस को फेस करना पड़ रहा है। देखिए आसिफ, यहाँ पर बड़ा टूर्नामेंट है, कैमरा प्रेशर है और मुश्किल होता है परफॉर्म करना आप कैमरे के सामने। खुशहाल खान को यहाँ पर परफॉर्म करना होगा अपनी टीम के लिए, अगर MCC के PK टाइगर की टीम को ये मैच अपने नाम करना है और क्वालिफाई अगर करना है सेमीफाइनल के लिए। इस दफा उमदा बॉल, यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने गए थे डीप स्क्वायर लेग की जानी, पुल करना चाहते थे इस बॉल को, बैटर बॉल का कोई कनेक्शन नहीं। एक ओवर के खिताब पर 26 स्कोर हो चुका है बगैर किसी नुकसान के। जी हाँ, पहले ही ओवर में फजूल खर्ची देखने को मिली, एक्स्ट्रा बॉल्स हुई और उसका भरपूर फायदा भी उठाया, शानदार छक्के देखने को मिले। सो टेप बॉल क्रिकेट एट इट बेट्स कर्टेसी जियो सुपर की एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन आपके सामने है। ट्रिपल ए एसोसिएट्स प्रेजेंट्स मार्को चैंपियंस लीग 2021। तैमूर मिर्जा, जिनको टेप बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान का नंबर वन बल्लेबाज माना जाता है, इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। गुजरांवाला से इनका ताल्लुक है, आज देखना है अपना जादू जगाएंगे या नहीं। तैमूर मिर्जा को यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। पूरे टूर्नामेंट में आप बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली उसामा अली सियालकोट की जानिब से और हमजा जदून एबटाबाद हरिपुर से ताल्लुक है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके हैं। इनका निकनेम क्या है? वैसे इनका कोई निकनेम नहीं है, अमेजिंग हमजी आप कह सकते हैं। जुबैर ने इनका निकनेम रख दिया हमजी, हमजा खान जदून। इनका सामना करेंगे तैमूर मिर्जा और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच, जो टीम जीतेगी वो जाएगी सेमीफाइनल में, जो हारेगी वो जाएगी अपने घर। तैरीपिंडी को ये मैच जीतना है।
हमजा जदून एबटाबाद हरिपुर से यहाँ पर करेक्शन मैं करेक्शन करता चलूं, ये जो मैच जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा और जो हारेगा वो उसको एक चांस और मिलेगा। और पहली ही बॉल पर बॉल कर दिया और खुशी मनाते हुए हमजा खान जदून। जी हाँ, ये खुशी मनानी है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट विकेट मिली है। व्हाट अ बॉल, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। दिस इज द टैलेंट ऑफ एबटाबाद हरिपुर। हमजा जदून ब्लॉक हॉल में किया था बॉल और कोई मौका नहीं दिया यहां पर किंग तैमूर मिर्जा को। और किंग तैमूर मिर्जा बड़े मैच के किंग नहीं बन पाए और ये खुशी देख लीजिए हमजा खान जदून। तैमूर मिर्जा गोइंग बैक टू द डगआउट्स स्ट्राइकिंग पैंथर्स आफ्टर 1.1 26 for 1। नए आने वाले बल्लेबाज नासिर पठान टेप बॉल क्रिकेट के माया नाज बल्लेबाज हैं। नासिर पठान दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। तैमूर मिर्जा के आउट होने के साथ प्रेशर बढ़ा होगा यहाँ पर बैटिंग साइड पर। और आपने देखा क्या जबरदस्त स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा, दोनों प्लेयर्स एक दूसरे को जानते थे, हक किया, ये भी टेप बॉल क्रिकेट की खूबसूरती है। बिल्कुल आसिफ, और ये रीप्ले, क्या बेहतरीन बॉल था यहाँ पर, जितनी तारीफ की जाए बॉलर की उतनी कम है। एक बार फिर से हरिपुर एक्सप्रेस हमजा जदून, इस दफा यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर की जानिब शॉट खेले, फील्डर मौजूद रहे लेकिन वो सिर्फ बॉल को देख सकते हैं और बॉल जाएगा एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत ही शानदार बैटिंग और ये अब 55 चौके लग चुके हैं। ये आप देखिए ओवर पिच डिलीवरी और शानदार प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट, इसको गैप में खेला लॉन्ग ऑफ और ड्रग कवर्स के दरमियान से ये बाउंड्री हासिल की। सो आते ही तबले जंग बजा दिया है और दूसरे ओवर का खेल जारी है। बॉल इतना बुरा नहीं था आसिफ, लेकिन यहां पर दाद देनी पड़ेगी नासिर पठान को। नासिर पठान सामना करेंगे हमजा का और ट्रिपल ए एसोसिएट्स मार्को चैंपियंस लीग 2021 स्ट्राइकिंग पैंथर्स टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रहे हैं। तैमूर मिर्जा वापस जा चुके हैं डगआउट में और डाउन द नेक्स्ट साइड अंपायर का फैसला देखना होगा। जी हां, अंपायर ने इशारा किया कि एक एक्स्ट्रा डिलीवरी एक्स्ट्रा रन, एक्स्ट्रा जहर की मानी होते हैं और एक्स्ट्रा पर कंट्रोल रखना होगा एमसीसी केपी के तमाम तर बॉलर्स को। एक्स्ट्रा बॉलिंग साइड के लिए जहर की मानिंद और बैटिंग साइड के लिए शहद की मानिंद। क्या बात है कि आसिफ आपकी 31 एक विकेट के नुकसान पर स्ट्राइकिंग पैंथर की टीम का हरिपुर एक्सप्रेस हियर वी गो। इस वक्त यहां पर अलॉन्ग द ग्राउंड खेले, फील्डर यहां पर मौजूद हैं, डीप स्क्वायर लेग पर मजीद एक रन का हो जाएगा इजाफा। जी हाँ बिल्कुल, एक रन बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होगा बॉलिंग साइड के लिए और वो यही चाहेंगे, लेकिन बड़ा अच्छा फैसला इस वक्त नासिर पठान ने सिंगल लेकर अब उसामा को स्ट्राइक दिया है। उसामा जो इस वक्त भरपूर फॉर्म में है, पहली ओवर में खुशहाल खान पिशावर एक्सप्रेस के इंजन फेल कर दिया था और शानदार पिटाई की थी, कड़ाकेदार छक्के लगाए थे। हरिपुर एक्सप्रेस को यहाँ पर कमाल करना होगा, विकेट उन्होंने जरूर लिए लेकिन उसके बाद 7 रन 6 रन कंसीड कर चुके हैं। इस बार यहाँ पर उसामा अली ने शॉट खेला, फील्डर मौजूद है, आउट हो सकते हैं लेकिन अंपायर का इशारा नो बॉल, माय गुडनेस। और उसामा, किस्मत आपका साथ दे रही है, किस्मत आपका साथ दे रही है। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छे तरीके से कैच भी लिया लेकिन अनलकी रहे बॉलर और अब होगी फ्री हिट। और ये देखिए जी हाँ, और इस दफा इसको स्क्वेयर लेग की जानिब खेला था और सीधा फील्डर के हाथों में।
हरिपुर एक्सप्रेस। स्लो राइट चेंज ऑफ पेस, बेहतरीन बॉल, उम्दा लाइन और लेंथ और रे, यहां पर हाजिर दिमागी के साथ काम लिया हरिपुर एक्सप्रेस से हमजा जदोन ने। अब तक बेहतरीन ओवर है, टाइमलाइन देखिए, विकेट, फिर बाउंड्री, फिर वाइड, सिंगल, एक रन नो बॉल पर, फिर डॉट डिलीवरी। सो और ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं मैच देखने के लिए, इंजॉय कर रहे हैं, टेप बॉल क्रिकेट को इंजॉय कर रहे हैं, उनके स्टार्स उनके सामने परफॉर्म कर रहे हैं। मार्फो चैंपियंस लीग 2021 मेरे साथ कॉम्बॉक्स में है जुबैर अब्बासी। एक बार फिर से हरिपुर एक्सप्रेस, वंस अबाउट टाइम, चेंज ऑफ पेस, उम्दा बॉल, अगर हार्ड बॉल की क्रिकेट होती तो आउट हो सकता था ये। मेरा ख्याल है आउटसाइड लेग स्टंप ये पिच हुआ था और आपने अच्छा जज करने की कोशिश की। तो इसके साथ ही अब फ्री हिट, अब तक 35 रन्स हैं, दूसरे ओवर का खेल जारी है। स्ट्राइकिंग पैंथर्स ने टॉस जीता था और पहले बैटिंग का फैसला किया था। ओवर का आखिरी बॉल अभी बाकी है, ये बॉल काफी इंपॉर्टेंट होगा हमजा जदोन का, एक अहम डिलीवरी होगी इस मैच की। उसाम अली सियालकोट खतरनाक इरादों के साथ, एक और नो बॉल, एक और गलती, ये गलत कर रहे हैं अपनी टीम के लिए हमजा जदोन। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये एक्स्ट्रा से परहेज करना होगा। अब फ्री डिलीवरी है उसामा से, ये देखिए इस दफा, जी हाँ, ये नो बॉल करार दी बिल्कुल। और अब फ्री हिट है उसामा सियालकोटी, जो पहले ही खतरनाक मूड में है, जब उनको फ्री हिट मिलेगी वो इसको हलवा जानेंगे और उसको कोशिश करेंगे बाउंड्री से बाहर फेंकने के लिए। हरिपुर एक्सप्रेस को कमबैक करना होगा। चेंज ऑफ पेस और इस बॉल को दिखाया है बाउंड्री का रास्ता, ग्राउंड से बाहर, सियालकोट को बुझा दिया इस बॉल को। जी हाँ, शानदार छक्का, कड़ाकेदार छक्का, और दो ओवर के इख्तिताम पर स्ट्राइकिंग पैंथर्स 42 पर एक। और दिस सिक्स ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल ए एसोसिएट्स। ये देखिए, वाह क्या कहने हैं इस शॉट के। जी हाँ, दो ओवर का खेल हो चुका है और अब तक बेहतरीन बैटिंग की है उसामा सियालकोटी ने, और उसामा सियालकोटी की क्या कहने हैं, और अब तक बेहतरीन बैटिंग की है। जुबैर आप क्या कहते हैं अब तक की बैटिंग के बारे में? बहुत उम्दा बैटिंग यहाँ पर उसामा अली सियालकोट की जानिब से, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम यहाँ पर उसामा अली सियालकोट की जानिब से, जहाँ उन्हें मौका मिलता था वहाँ वो बॉल को बाउंड्री से बाहर पहुँचा देते थे। दो ओवर 42 स्कोर हो चुका है एक विकेट के नुकसान पर, क्या समझते हैं बकिया चार ओवर्स में स्ट्राइकिंग पैंथर को कितने रन बनाने चाहिए? स्टार्ट बहुत अच्छा मिल गया है और 21 की एवरेज है। सनम इकबाल आए हैं अब बॉलिंग के लिए और सनम ने हमेशा वफा की है अपनी टीम के साथ। बिल्कुल, सनम ने हमेशा वफा की अपनी टीम के साथ, लेकिन यहाँ पर मेहनत की बात है, यहाँ पर जान लगानी होगी। 42 हो चुका एक विकेट के नुकसान पर, अपने ओवर का पहला बॉल करेंगे झेलम एक्सप्रेस। इस दफा इस बॉल को खेला है और बॉल जाएगा यकीनी तौर पर एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर। जी हाँ, नासिर और अब 56 चौके लग चुके हैं अब तक। सनम ने आते ही ये चांस दिया और इसको खेल दिया फाइन लेग की जानिब चार रन्स के लिए। अब देख रहे हैं आसिफ काफ़ी टाइम दे रहे हैं बैट्समैन को, पिछले ओवर में अगर हमजा जदून को देखा जाए उन्होंने भी काफ़ी लूज डिलीवरीज की और आते साथ सनम ने भी पहला बॉल लूज किया, तो यहाँ पर सोचना होगा टीम कप्तान को, बताना होगा अपने बॉलर को, आप अगर यहाँ बॉल करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, आप लूज डिलीवरी करोगे तो आपको कतन माफ़ नहीं करेंगे नासिर पठान और उसामा अली। जी हाँ,
अब नासिर पठान अब तक 9 रन बनाए हैं, 5 गेंदों का सामना किया है, सनम का सामना करने के लिए तैयार हैं। और इस दफा इसको फिर जोरदार तरीके से खेला है, फील्डर ने जरूर कोशिश की लेकिन नाकाम रहे, एक और बाउंड्री। बहुत जबरदस्त बैटिंग जहां मेरिट के ऊपर शॉट खेल रहे हैं टूर्नामेंट 4 नंबर 57। बहुत खूबसूरत शॉट डीप फाइन लेग की जानिब, एफर्ट जरूर की थी लेकिन ये नाकाम एफर्ट थी फील्डर की जानिब से। 50 रन मुकम्मल हो चुके हैं यहां पर स्ट्राइकिंग पैंथर के। जी हां, नासिर पठान बेहतरीन टच में नजर आ रहे हैं, सामना करेंगे सनम का। इस ओवर की तीसरी गेंद, अब तक 2 बाउंड्रीज मिली हैं नासिर पठान को और एक दफा फिर इसको खेले हैं फाइनल की जानेब, फील्डर वहां पर मौजूद थे, एक ही रन मिलेगा। इस दफा कदरे बेहतर बॉल था, बॉल में जान भी थी और नासिर पठान को इतना मौका नहीं मिला खुलकर खेलने का। जी सुपर की आप प्रोडक्शन देख रहे हैं और सनम इकबाल अपने बॉलिंग को जारी रख रहे हैं। उसामा सियालकोट 9 बॉलें खेली हैं, 29 रन बना चुके हैं और 7 बॉलों का सामना किया नासिर पठान ने, 14 रन बना चुके हैं। तो दोनों की जानिब से बेहतरीन बल्लेबाजी तैमूर मिर्जा के आउट होने के बाद। जी हाँ, तैमूर मिर्जा को जल्दी पवेलियन भेज दिया था डग आउट में उसामा अली, और उसामा अली को इस दफा क्विक डिलीवरी की और बिल्कुल भी समझ नहीं पाए उसामा अली। सो सनम भी अपने टच में नजर आने लगे हैं। बहुत अच्छी बॉलिंग यहाँ पर सनम इकबाल की जानिब से और ये रीप्ले, शॉर्ट पिच बॉल किया था और हार्ड लेंथ पर यहाँ पर बॉल किया सनम इकबाल ने उसामा अली सियालकोट को। इस तरह की बॉलिंग करनी होगी, जान लगा कर तो मेहनत कर, तो मेहनत कर सिला जाने खुदा जाने। जी हाँ बिल्कुल, आपको पूरी भरपूर मेहनत करना होगी, ये जीतने वाली टीम क्वालिफाई करेगी फाइनल के लिए, हारने वाली टीम को एक चांस और मिलेगा। और इस वक्त सलाहो मशवरा जारी है, उसामा अली के लिए कोई नई तरकीब सोचना होगी, अब तक बेहतरीन बैटिंग देखने को मिली है। और जोरदार तरीके से बल्ला जरूर घुमाया था, बिल्कुल भी खुश नहीं है सनम, ये बॉल कलेक्ट करनी चाहिए थी, विकेट कीपर को एक रन मिल गया। इन गलतियों से सीखना होगा, सिर्फ एक एक रन कीमती है इस मैच में दोनों टीमों के लिए। और तैर इस्लामाबाद जो स्कीपर हैं उन्हें तो इस बॉल को पकड़ना चाहिए था हर हाल में। और ये रिप्ले उमदा बॉल था, बैटर बॉल का कोई कनेक्शन नहीं था, काफ़ी सोच समझ कर ये बॉल की थी, एक आसान डिलीवरी थी। जी हाँ, MCC KPK टाइगर्स के कैप्टन तैरी पिंडी जो कि आज ऑफ कलर हैं क्योंकि थोड़ा सा अनफिट हैं, एक इम्पोर्टेंट मैच में उनकी फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन मार्क है और यही चीज़ यहां पर सीखनी है बाकी यंगस्टर्स ने कि क्रिकेट में आपके लिए फॉर्म कितनी इम्पोर्टेंट है। और टेक्नोलॉजी पार्टनर हैं www.cricklabs.com। अपने ओवर का आखिरी बॉल करेंगे, ये गेंद बहुत इंपॉर्टेंट होगी सनम इकबाल के लिए और उनकी टीम के लिए। बहुत उम्दा शॉट और बॉल जाएगा बाउंड्री लाइन से बाहर, बॉलर के सर के ऊपर से इस दफा शॉट खेला था, जबरदस्त कड़ाकेदार छक्का। और ये बहुत सीधा साइड स्क्रीन पर जाकर लगा और 3 ओवर्स के अख्तिताम पर स्ट्राइकिंग 35-58 पर एक। और हमजा खान जदून अब तक कामयाब रहे हैं, तैमूर मिर्जा को बोल्ड किया था, क्लीन बोल्ड किया था पहली गेंद पर जोकर लेंथ डिलीवरी, लेकिन इस वक्त उसामा सियालकोटी अपने भरपूर टच में नजर आ रहे हैं और बैट के साथ जिनका बॉल लग रहा है मिडिल हो रहा है, प्रॉपर रन्स मिल रहे हैं। जी सिर्फ 17-16 छक्के जो है इन्होंने
ये बहुत अच्छा बॉल किया है, इस मरतबा बना के मारना चाह रहे थे लेकिन आपकी बार ज़बरदस्त बॉल कर गए हैं केपीके के बॉलर। और मैं आपको सामाली की बात कर रहा था, आपने काफ़ी इंजॉय किया है, पहले 5 छक्के उन्होंने लगाए हैं, इसके बाद एक और भी उन्होंने छक्का लगाया है, तो इससे पहले उन्हें 11 छक्के लगा रखे, तो टोटल अब तक 17 छक्के लगा रखे हैं और सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले प्लेयर जो है वो सामाली हैं स्ट्राइकर पैंथर की जानिब से। उसामा ने अब तक सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं इस ट्रिपल ए एसोसिएट्स प्रेजेंट्स मार्को चैंपियंस लीग 2021 में। हमजा खान जदून और इस दफा इसको कनेक्ट नहीं कर पाए, बॉल जाएगी मिड विकेट की जानेब, एक ही रन मिलेगा। बड़ा अहम मैच है, यकीनन दोनों टीमें चाहेंगी कि आसानी से पहला मैच जीत के फाइनल में जगह बनाई जाए, पर यहाँ मैं देख रहा हूँ केपीके की टीम चट्टान थी इस मार्को चैंपियन ट्रॉफी में, बट आज उनको दो बॉलर्स का जो कमी महसूस हुई है, एक तो इंजरी की वजह से, दोनों इंजर हुए हैं फराद अब्दाली और उसके साथ तहरी, तो दो ये ऐसे बॉलर थे जो मैक्सिमम ज़बरदस्त बॉलबाजी करते हैं और बहुत बेस्ट इकोनॉमी है दोनों बॉलर्स की, आज उनकी कमी महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी केपीके के जो सुपर टैलेंटेड बॉलर हैं वो बहुत अच्छा किरदार आ रहा है। नासिर पठान स्ट्राइक लेंगे हमजा का। जी हाँ, नासिर पठान सामना करेंगे हमजा खान जदून का। नासिर खान ने अब तक 20 रन बनाए हैं, 8 गेंदों का सामना किया है, बहुत ही अच्छी डिलीवरी दफा राइट अप इन द ब्लॉक होल, और ये वो लाइन है जहां बैट्समैन को ट्रबल में डालेंगे। बिल्कुल टेप बॉल में आप देख रहे हैं आसिफ के ये फुल लेंथ बॉल जो है आसिफ के जो किया जाता है वाइड बॉल के बिल्कुल आइकॉन के साथ, इसको जो है ड्राइव तो किया जा सकता है बट इसे आप डीप एक्स्ट्रा कवर या कवर के ऊपर से जो है पिक करना बहुत मुश्किल होता है, बट पाकिस्तानी टैलेंटेड बैट्समैन ऐसे हैं जो इस बॉल को पिक भी कर सकते हैं, बट 90% जो है इस बैट बॉल को खेलना बहुत मुश्किल होता है। सो नासिर पठान फैसलाबाद से ताल्लुक रखते हैं, पाकिस्तान टेप बॉल के मैगवंस में हर स्पॉन्सर की बेस्ट चॉइस होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं नासिर पठान। नासिर पठान का शानदार सहरंगेज छक्का, वाओ, इस दफा स्टेडियम से बाहर, बिल्कुल परफेक्ट सिक्स था इस मरतबा और मिड विकेट के ऊपर से खेला है। आप जब आई साइड आपका काम अच्छा करती है, जब आप बॉल पे नजर रखते हैं, बॉलर को आप पढ़ लेते हैं, तो फिर आप मिडल ऑफ द बैट आसानी से करते हैं जिस एंगल में आप एंगल बना के गैप शॉट खेलना चाहते हैं, ये बड़ा हिट शॉट खेलना चाहते हैं। ट्रिपल एसोसिएट्स ब्रॉट दिस सिक्स, और ये देखिए बॉल हवा से बातें करती हुई, तारों से बातें करती हुई गुजरांवाला स्टेडियम के बिल्कुल बाहर जाकर, वाओ। हाँ, यहाँ जरूरी है हमजा के लिए कि वो कमबैक करें, 231वां छक्का लगा चुके हैं नासिर पठान इस टूर्नामेंट का। हमजा लेफ्टी नाइट प्लानिंग के साथ जी फिर से आगे बॉल किया है, इस मरतबा बैकफुट स्क्वायर बाउंड्री की जानिब खेल दिया नासिर पठान ने, जो कि बैट का अंदरूनी किनारा लगाया है। वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, उसाम अली एंड नासिर पठान, 2 रन्स कंप्लीटेड। जी हाँ, अब तक अगर टाइमलाइन देखें, डॉट डिलीवरी, सिंगल हुआ, फिर डॉट, फिर एक छक्का, और अब ये 2 रन्स, 9 रन्स बन चुके हैं अब तक 5 गेंदों पर। चौथे ओवर का खेल जारी है, मार्को चैंपियंस लीग 2021 प्लेऑफ का मैच है, और सॉरी क्वालिफायर मैच है, इसमें जो टीम जीतेगी फाइनल में जगह बनाएगी, जो टीम हारेगी उसको एक चांस और मिलेगा। नासिर पठान इस वक्त खतरनाक मूड में, हमजा का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार, हमजा खान जदून, और एक दफा फिर शानदार कड़ाकेदार ओवर लोगों फॉर द मैक्सिमम। बिल्कुल आसिफ, मैंने आपको कहा था नासिर पठान बड़े मैच के बड़े प्लेयर, ये देखें 232वां छक्का लगा है इस टूर्नामेंट का, और आज की रात और कल की रात आप देखेंगे मजीद जो है सिक्सेस की तादाद बढ़ती जाएगी। 73 रन्स आफ्टर 4 ओवर फॉर द लास्ट ऑफ ओनली 1 विकेट, ये देखें फिर से नासिर, ट्रिपल एसोसिएट ब्रॉट दिस सिक्स, ये देखिए, वाओ वाओ, ब्यूटीफुल शॉट। नासिर पठान का ये कि बॉलर बॉलर को हाथ पे नज़र रखते हैं और बॉलर को रीड भी करते हैं, और हमजा ने बड़े अच्छे बॉल के 4 ओवर में 73 रन, 1 विकेट के नुकसान। अब मोहम्मद यासीन आए हैं बॉलिंग के लिए, पेशावर से इनका ताल्लुक है, और उसामा सियालकोटी जो कि इंतहाई खतरनाक मूड में अब तक बैटिंग कर रहे हैं, मोहम्मद यासीन खान लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट हैं, आज इनकी तरफ से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि अपनी टीम को एक ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग करें और आज यहां से जीतकर फाइनल में जगह बनाएं। उसामा सियालकोटी तैयार हैं सामना करने के लिए,
और वाओ वाओ गुड शॉट, इस दफा इसको खेला है फाइल के ऊपर से 6 रन के लिए। हाँ बिल्कुल, देखेंगे जनाब के 18वां छक्का तो हो गया इनका और 233वां 2336 टूर्नामेंट का आ चुका है। ओसामा अली ट्रिपल एसोसिएट्स ब्रॉट दिस सिक्स और ये देखिए बहुत ही शानदार तरीके से इसको फ्लिक कर दिया। ये देखें आपकी आई सेट का कमाल है, आप बॉलर ने चेंज अप पेस किया और आपने उसे क्रॉस जाके खेला है। दिस टाइम डाउन द लेग साइड क्लियर वाइड बॉल, बॉल पहुंचे है बासित पठान के पास, एक रन का मजीद इजाफा रहेगा। मैं आई सेट की बात कर रहा था, उसामा अली, उसामा अली पाकिस्तान के टॉप 5 बैट्समैनों में शुमार रखते हैं और किसी भी पाकिस्तान के मैगामेंट के बेस्ट बैट्समैन भी शाम होते हैं उसामा अली, और इनकी परफॉर्मेंसेज जो है वो हमारे पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर मुँह बोलता सबूत हैं कि उसामा अली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। उसामा के 37 रन, नासिर पठान के 34 रन, उसामा ने 13 गेंदों का सामना किया, नासिर पठान ने 12 गेंदों का सामना किया। पांचवें ओवर का खेल जारी है और शानदार बैटिंग नासिर पठान इस वक्त खेल रहे हैं, सामना करेंगे, बिल्कुल तैयार हैं। जी एक मरतबा फिर ये बॉल किया है और यहाँ नासिर फिर से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन आपकी मार लेग स्टंप की जाने ब्रॉड शॉट खेला है। इस मरतबा सिर्फ एक रन का इजाफा होगा और आसिफ अगर ये जोड़ी मजीद ठहर जाती है चांद लम्हा तो ये बड़ा नुकसान जो है साबित कर सकते हैं, बड़ा टारगेट साबित कर सकते हैं और इस केपीके के लिए एक दीवार जो है रन की खड़ी कर सकते हैं। दोनों ही अब तक नुकसान पहुंचा चुके हैं। आरिफ पाँचवें ओवर का खेल जारी है और उसामा अली नॉट आउट है 37 पर, सामना करने के लिए तैयार। उसामा सियालकोटी ने इस दफा इसको खेल दिया है मिड विकेट की जानेब, एक रन मिलेगा, अब तक कदरे बेहतर बॉलिंग। देखिए मैंने कहा था कि आज वही दो बॉलर की कमी महसूस कर रही है केपी की, अदरवाइज बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी। दो बड़े बॉलर्स की वजह से थोड़ा रन जो है मकामी बॉलर्स को जो है उनको बॉलिंग पे आजमाया जा रहा है और उनके सामने जो है टॉप बैट्समैन है पाकिस्तान ट्यूब बॉल के नासिर पठान एंड उसामा अली, सो उनके सामने एक बड़ा टोटल मजीद सेट कर सकते हैं लेकिन यहाँ थोड़ी सी प्लानिंग के साथ बॉलिंग करना पड़ेगी, आपको स्ट्रेटजी प्लान करना पड़ेगा ताकि आप ये विकेट हासिल करें, उन दोनों को ज़्यादा टाइम ना दें। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि प्लान करके इनकी विकेट हासिल करना पड़ेगी लेकिन अब तक तो सारी प्लानिंग्स नाकाम जा रही हैं। स्ट्राइकिंग पैंथर्स के बैट्समैन दोनों तरफ से हावी हैं, एक तरफ से नासिर पठान हमलावर हैं और दूसरी जानिब से उसामा अली और इसी दौरान ये नो बॉल करार दी है सर्वर भट्टी ने, सो इस तरह एक फ्री हिट। बिल्कुल आसिफ यहाँ आप गलती देखें नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पहले ही रन काफ़ी आगे निकल चुके हैं और उसके बाद आप आउट ऑफ द लेंथ बॉल कर रहे हैं, बल्कि आपको विकेट विकेट बॉल करना चाहिए, तो अगर इस तरह आप मेहतात हो के बॉलबाजी नहीं करेंगे तो फिर आपको जो है वो काफ़ी रन का सामना करना पड़ेगा। ये देखें आप जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही बेहतरीन फैसला अंपायर का और अब तक की टाइम लाइन में एक छक्का लगा है और बाउंड्री इसके अलावा कोई नहीं है, सो फ्री हिट। नासिर पठान फ्री हिट का फायदा उठा सकेंगे, डाउन द लेग साइड और विकेट कीपर भी इसको कलेक्ट ना कर पाए, पैरी पिंडी दूसरा रन लेना चाहते थे नासिर लेकिन सो ये वाइड है और फ्री हिट स्टिल रिमेन्स। इससे पहले आपने देखा है कि बड़ा टोटल चेस हुआ है, हालांकि पहली बार आई थिंक चेस हुआ है और वो ईगल आई ने चेस किया है। अब तहरी और उनके साथ इमरान खान और उनके साथ तीसरे बैट्समैन को भी जो है वो 25-27 रन के साथ खेलना होगा इस रन को चेस करने के लिए। और एक दफा फिर शानदार तरीके से इसको पिक किया, गोइंग फॉर द मैक्सिमम। ये देखिए मैंने कहा था कि उसामा अली एक ऐसे 6 ओवर में जब ये फिट हो जाते हैं तो फिर ये आम रूटीन में हमारे टेबल बॉल के टूर्नामेंट में 14-14 छक्के भी ये लगा जाते हैं, 6 ओवर में 15 छक्के भी लगा जाते हैं। और आप दिस सिक्स ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल एसोसिएट्स, ये देखिए शानदार तरीके से इसको पिक किया था, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं क्योंकि ये सीधा बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी, शानदार छक्का, बिल्कुल शानदार छक्का। और यहाँ मैं ये कहूँगा कि आपको हमारे जो पाकिस्तानी टैलेंट थे उन्होंने इंटरटेन नहीं करवाया क्योंकि ये वो बैट्समैन है, ये वो प्लेयर है जो एक ओवर में 25-26-27-30 भी कर जाते हैं और पाकिस्तानी हमारे ऐसे बॉलर भी हैं जो 5-5 रन पे ओवर भी बचा जाते हैं। बहुत ही शानदार कमबैक, यॉर्कर लेंथ डिलीवरी लॉक होल में थी और डॉट डिलीवरी हुई,
देखिए इधर आपकी जहानत हमें नज़र आई है, इसमें आपने फुल लेंथ का माइंड ये देखें बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने फुल लेंथ कंट्रोल के साथ किया है और बिल्कुल ना बॉल ओवर पिच बना है ना ही बॉल फुल टॉस बना है, तो ये आप कह लें कि जो है आपकी प्लान के तहत बॉल जो था वो ज़बरदस्त था। जी हाँ, उसामा अली अब 43 रन पर नॉट आउट हैं, 16 गेंदों का सामना किया है। नासिर पठान 35 रन बनाकर नॉट आउट हैं। जियो सुपर की एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन है और इस दफा इसको खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से, इट्स गोइंग एंड गुड बाय, नो बॉल, साथ नो बॉल भी है। ये देखिए वो सेम बॉल करने गए थे, लेकिन आप जब एक चीज को रिपीट करते हैं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस और आपकी फिटनेस भी आपके साथ को देना चाहिए उन्हें। आप वही बॉल करना चाहते थे लेकिन आपके बार आपका हाइट ज़्यादा रहा है जिसकी सजा मिली है, एक तो नो बॉल हो गई है और दूसरा आपको 7 रन पड़ गए हैं। तो अगर आपने बड़े टोटल से बचना है तो फिर आपको महतात बॉलिंग करना होगी। जी हाँ, ये देखिए नो बॉल करार दिया अंपायर ने, इसको टाइट डिसीजन था, इसको मिड विकेट के ऊपर से शानदार तरीके से टाइम किया और अब ये फ्री हिट है और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। दिस सिक्स ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल ए एसोसिएट्स। उसामा अली 49 पर नॉट आउट हैं 17 गेंदों पर। अब तक इस टूर्नामेंट की सबसे तेज तरीन 50 जो है वो 13 गेंदों पर बनी थी, छोटा विकी ने बनाई थी, शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया था। ये खूबसूरत कैमरा अब ड्रोन कैमरे से लिए गए मनाजिर, ये वो ये फ्लड लाइट्स और इस दफा इसको खेल दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, माइटी ब्लो, माय गॉडनेस, दिस इज अ बिग वन, दिस इज अ बिग वन एंड सिक्स नंबर 9 बाय उसामा अली ऑन फायर 55 18। और मैं आपको बताता हूं आफ्टर 5 ओवर 105 फॉर द लॉस्ट ऑफ वन विकेट। दिस सिक्स ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल ए एसोसिएट्स। शानदार टाइमिंग का मुजाहरा उसामा अली की जानिब से, शानदार छक्का देखने को मिला। उसामा अली ने अपनी 50 कंप्लीट कर लिया है जिसमें 8 छक्के शामिल हैं, एक चौका है। स्ट्राइक रेट देखिए 305.56, कमाल की बैटिंग की है। सो फिटनेस के ऊपर काम करना होगा। नासिर पठान नॉट आउट हैं, अब सामना करने के लिए तैयार हैं। 35 रन बना रखे हैं 13 गेंदों पर और सनम आ चुके हैं एक दफ़ा फिर बॉलिंग के लिए। जी ये भी आपको बताते चलें कि उसामा अली जो कि मार्को चैम्पियन ट्रॉफी में 3 बार 50 बनाने वाले पहले प्लेयर हैं और 2 बार मैन ऑफ द मैच भी आ चुके हैं। और फिर से मैं वही उसी बॉलर की बात कर रहा हूं जिनका ताल्लुक गुजरात से है और पाकिस्तान टीम बॉल के मोस्ट सीनियर ऑलराउंडर में इनका शुमार है और बड़े प्लानर बॉलर हैं। और बिल्कुल आप देखेंगे कि अब नासिर पठान के अगेंस्ट जो है अपोजिट बॉलिंग करेंगे, एंगल की सिलेक्शन करेंगे सनम इकबाल और इस दफ़ा इसको प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर पाए, मिड विकेट की जानिब खेला, फील्डर वहाँ पर मौजूद थे, एक ही रन बन पाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा और ये अच्छा है कि नासिर पठान अब खुद तो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं लेकिन अब उन्होंने सिंगल लेकर उसामा को स्ट्राइक दिया है जो ऑलरेडी 55 रन स्कोर कर चुके हैं, 18 गेंदों का सामना किया है। सनम की एक ये भी खूबी है कि वो बाडी से इजाज़त लेते हैं, टाइम लेते हैं और टाइम लेकर बॉल करवाते हैं और परफेक्ट लाइन ऑफ लेंथ पे बॉल करते हैं। और मैं फिर से बात वही करूंगा कि एंगल जिस पे आप डिलीवर करना चाहते हैं तो इनकी वैध बॉलर हैं जिसकी ऑलराउंडर पाकिस्तान में से जिस एंगल पे ये बॉल डिलीवर करना चाहते हैं, टिप्पा खिलाना चाहते हैं तो वो ये कर सकते हैं। अब इन्होंने बॉल किया है गोल्डन से सीधा बॉडी पर आया था, अगला बॉल देखते हैं कि सनम कहाँ करने जा रहे हैं। जी हाँ, सनम का सामना करेंगे उसामा अली और जोरदार तरीके से इसको खेलना चाहते थे ऑन साइड मिड विकेट एरिया में लेकिन बीट हो गए। और अब डॉट डिलीवरी बहुत मैटर करती है, ऑलरेडी रन्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं और अब इस ओवर में कम से कम रन्स देने होंगे सनम को। सनम पे आप ये डिजर्व कर सकते हैं और ये आप देख सकते हैं हसन रजा जो इस वक्त स्माइल कर रहे हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं और इस टीम में मेंटोर भी हैं। सनम एक ऐसे बॉलर हैं जिस पे कप्तान एतमाद करता है, को 10 से 15 रन बचा सकता है और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 106 है और अभी 4 बॉल बाकी हैं, क्या ये 15 रन मजीद सनम देंगे या 12 या 13 देंगे। और इस दफा इसको जोरदार तरीके से खेला है, शानदार चौका, इस बॉल की इतनी स्पीड थी कि दोनों फील्डर वहां पर मौजूद थे लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं, बॉल गोली की सी रफ्तार से बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। अब तक टूर्नामेंट में 57 चौके लग चुके हैं, 58 चौके लग चुके हैं।
ये देखें दोबारा से बड़ा ज़बरदस्त क्रॉस शॉट खेला है और यहाँ बाउंस के बाद पूरी तरह मिडल ऑफ द बैट किया और ज़ोरदार मारा इंटू द गैप मारा है, बड़ा तीस निकाला है, हालांकि फील्डर ने ट्राई जरूर की थी बट बहुत ही ज़बरदस्त चौका जो है वो उसामा अली की जानिब से। और जी हाँ, उसामा अली पहुँचे 59 पर, 20 गेंदों का सामना किया है, नासिर पठान उनका साथ दे रहे हैं। अब बाकी 3 गेंदों पर देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा रन्स लेने की कोशिश करेंगे। और सनम एक दफ़ा फिर रन अप मिस कर गए, सनम फिर से आएंगे। और यहाँ मैं आपको जो नौजवानों की जो फीलिंग है वो भी ज़रा बता दूं, जो सोशल मीडिया पे हमें फीडबैक मिला है, पाकिस्तान ट्यूब बॉल में एक नया टच आया है जियो सुपर की प्रोडक्शन का और उसमें पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा खुश भी हैं और कई लोग ऐसे मुंतज़िर हैं जो जियो सुपर पर खेलना चाहते हैं और ख़ुद को पाकिस्तान लेवल पर वर्ल्ड लेवल पर शो करना चाहते हैं। तो हम शुक्रिया अदा करेंगे जियो सुपर चैनल का जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल है। जी हाँ, और इट्स गोइंग हाई इन द एयर, फील्डर नीचे हैं और इस दफा कोई गलती नहीं की, सो यहां पर इनिंग्स का खात्मा हो गया। उसामा अली शानदार इनिंग्स, धुआंधार बैटिंग करने के बाद डग आउट में, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। बिल्कुल, देखें जब आप 8 छक्के लगा जाते हैं किसी टीम के लिए 60 के करीब, जब आप रन, ये देखें बड़ा ज़बरदस्त बॉल किया है, मैंने कहा था कि सनम जो है वो बैट्समैन को पढ़ता है, अब यू उन्हें पता था कि वो पिछले बॉल को मार रहा है लेकिन इन्हें गुड लेंथ से ज़्यादा बॉन्स के साथ पेस के साथ बॉल को उठाया है और ये बड़ा आसान कैच, इस कैच को आप बिल्कुल नहीं ड्रॉप कर सकते थे। ये 59 रन इन्होंने बनाए हैं और 21 बालों को सामने किया है, स्ट्राइक रेट 280.95। व्हाट इनिंग्स, व्हाट ए बैटिंग, 2 बॉल्स का खेल बाकी है, 110 रन बन गए हैं और सनम को आई थिंक 5वां ओवर जो है वो ज़रूर करना चाहिए था या 3रा ओवर उन्हें ज़रूर करना चाहिए था। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त 110 रन आ चुके हैं, 2 खिलाड़ी आउट हैं। जी हाँ, और उसामा अली शानदार बैटिंग के बाद वापस चले गए, उनका उनकी जगह लेने आए हैं अशरफ पठान। और जी, अशरफ पठान का ताल्लुक जो है वो कराची से है और कराची में इनका बड़ा नाम है और ऑल पाकिस्तान लेवल के ज़बरदस्त प्लेयर हैं। एक दफ़ा फिर ऊँचा खेले हैं, फील्डर दौड़ते हुए बॉल के नीचे आ रहे हैं और इस दफ़ा फिर कोई गलती नहीं की, सो एक और विकेट और सनम इकबाल के पास अब चांस है हैट्रिक का। यहाँ बिल्कुल आसिफ भाई, मेरे लफ्ज़ों की जो कदर की है सनम इकबाल ने, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो सनम इकबाल के बारे में मैंने बताया उन्होंने वही किया है। आपने देखा होगा कोई भी आउट ऑफ लेंथ लेंथ कोई रफ बॉल उन्होंने नहीं किया, विकेट टू विकेट बॉल किया है और उनको डबल बैक टू बैक, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त आप देख सकते हैं कैच था और इसको बिल्कुल जो है गलती नहीं कि फील्डर ने बड़ी आसानी से कैच ले लिया और दूसरा जगह सकीर पठान जिन्होंने कैच लिया है। नासिर पठान भी 36 रन बनाने के बाद डगआउट में पहुंच गए, स्ट्राइकिंग पैंथर्स 110/3। बिल्कुल सनम, एक मरतबा फिर आपने बॉलिंग एंड पर तैयार, दौड़ना शुरू किया है सनम ने और लगता है कि सनम अगर ये कैच ले लेंगे तो हैट्रिक हो जाएगी और ये ड्रॉप कर दिया, ये चांस ड्रॉप कर दिया सनम ने, लेकिन शानदार बॉलिंग, खुद ही भागे थे बॉल के पीछे और ये कैच हो जाता तो ये हैट्रिक हो जाती। बिल्कुल, और ये मार्को चैंपियन ट्रॉफी की पहली हैट्रिक होती और हमारे पाकिस्तान टीम बॉल का जियो की प्रोडक्शन पर रिकॉर्ड पहली हैट्रिक होती सनम इकबाल की, लेकिन यहाँ वो नीचे बॉल के जरूर आए थे, लेकिन ये देखे दोबारा से ये अच्छा था, काफ़ी दूर से आना पड़ा है और काफ़ी देर बाल हवा में रहा है आसिफ। जी बिल्कुल आरिफ, आप ठीक कह रहे हैं और ये देखिए, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, यू हैव ड्रॉप द चांस, सनम इकबाल ने ड्रॉप कर दिया, लेकिन बेहतरीन बॉलिंग, दाद देनी होगी, सिर्फ 7 रन दिए आखिरी ओवर में और देखिए टारगेट जो है 112 का, अगर ये रन ज़्यादा बन जाते, 120 क्रॉस कर जाता तो ज़्यादा ये मुसीबत बन सकती थी MCC के PK टाइगर्स के लिए। यहाँ मैं ये बात करूँगा कि अब MCC के कैप्टन तैरी सोच रहे होंगे कि मुझे 4th या 5th ओवर करवाना चाहिए था सनम से, जिन्होंने बाद में उनसे ओवर करवाया है। बहरहाल फिर भी अच्छा ओवर कर गए हैं, बड़ा ज़बरदस्त ओवर कर गए हैं, जहाँ आपको 25 रन चढ़ रहे हैं, 20 पड़ रहे हैं, तो वहाँ आप बहुत ही ज़बरदस्त विकेट के साथ। ये स्ट्राइकिंग पैंथर्स की बैटिंग का, तैमूर मिर्जा जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसामा अली और नासिर पठान ने शानदार बैटिंग की, बिलतरतीब 59 और 36 रन बनाए, 112 का बड़ा टोटल यहाँ पर स्कोर किया एक्सप्रेस के 14 रन। बिल्कुल, यहाँ अगर हम बात करेंगे MCC KPK टाइगर्स के बॉलिंग की, तो यहाँ खुशहाल खान जिन्होंने पहला ओवर काफ़ी महंगा कराया था और उसके बाद हमजा जदून खान जिन्होंने 2 ओवर में 24 रन दिए, 1 विकेट हासिल किया है, सनम इकबाल बेस्ट रहे हैं 2 ओवर में 22 रन 2 विकेटें। जी बिल्कुल, अब MCC KPK टाइगर्स को 113 रन दरकार हैं
फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए 18.83 की औसत से। और यहां पर वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, वापस आएंगे लाइव एक्शन के साथ।